कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। मैं आपको बताते रहता हूँ कि जो चीज़ें करनी चाहिए और जो चीज़ें निषेध है जिनको नहीं करना चाहिए। सो यू डोंट माइंड अप ज्ञान मुद्रा पुट ऑन योर थाइस, आँख मिट कर तीन चार लंबे लंबे श्वास ले लीजिए, क्योंकि मन चंचल है। आप अपने मन को यहाँ पर ले आइए जहाँ पर आप बैठे हैं। हम तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो जब ओम का उच्चारण करते हैं तो जैसे कहते हैं ना, अपने सारे अंग अंग से उच्चारण हो भगवान का नाम, तो वैसे ही करना है उच्चारण। फॉलो विद मी, लंबा श्वास लीजिए। पहले प्राणायाम करेंगे, जो प्राणायाम है भस्त्रिका, उसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे आप बैठे बैठे रहिए, श्वास लंबा श्वास लेना है, जितना लंबा जैसे ले सकते हैं लीजिए, रुके बिना धीरे से छोड़िए। तो आप देख रहे होंगे जब मैं लंबा श्वास लेता हूं तो मेरी छाती खुलती है, शोल्डर ऊपर जाता है, जब श्वास छोड़ता हूं तो शोल्डर नीचे जाता है, छाती कॉन्ट्रैक्ट होती है, फेफड़े जो है आप लोग करते रहिए। हमारे श्वास लेने के लिए फेफड़े हैं, हमारा पेट नहीं है। पेट तो खाने पीने के लिए है, डाइजेशन के लिए है। तो अगर कोई आपको कहे कि आप पेट से श्वास लीजिए तो गलत बता रहा है आपको, क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं कि आप जो श्वास लेते हैं उसके लिए आपके फेफड़े हैं, तो फेफड़ों में श्वास भरिए और फेफड़ों में श्वास फेफड़ों से श्वास छोड़िए। तो उसका अर्थ क्या होता है कि जैसे अब आप श्वास लेते हैं तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि पेट तो नहीं फूलता, और जब श्वास छोड़ते हैं तो ऐसे ही लेना है श्वास। इसके आप लेते रहिए 3 मिनट के लिए, इसके बहुत सारे लाभ है। इससे क्या है कि एक और स्ट्रेस आपको इसलिए करता हो, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर विल नॉर्मलाइज विद इन नॉर्मल रेंज। देखिए योग की जो सबसे अच्छी चीज है कि जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनका भी धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम यू हियर,
क्योंकि देखिए आप जो दवाई लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए दूसरी दवाई देनी पड़ती है, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो दूसरी दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन योग अगर आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो इट विल नॉर्मलाइज। जो लो ब्लड प्रेशर है उनका ऊपर ब्लड प्रेशर आने के लिए इट विल टेक टाइम, यू स्टिल शुड डू इट। तो और मतलब दूसरी चीज क्या है कि आप जब लंबा सांस लेते हैं तो जो प्राण वायु है वायु के साथ प्राण जाता है थ्रू द ऑक्सीजन वो अपने लंग के अंदर जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीजन होने से यू विल बी एबल टू फाइट वायरस जो अभी चल रहा है, वी कैन फाइट द वायरस। इसीलिए हमें जो प्राणायाम है उनका उतना ही महत्व है जितना कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज का अपनी उम्र के अंदर महत्व है। तो अब रिलैक्स, नाउ हम करेंगे थोड़ा बहुत खड़े होकर, खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाइए और जो बैठे हैं वो भी हाथ पांव चला चलेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि कवायद कीजिए, जैसे हाथ पांव ऊपर नीचे करते जाइए, जो चेयर पर बैठे हैं वो भी हाथों को ऊंचा करके पांव को जमीन पर लगाते जाइए। फिर उसके बाद कोशिश कीजिए अपने नीज को ऊपर ले आए, नीज को ऊपर ले आए पर जरूरी है उससे नीज की एक्सरसाइज भी होती है और हिप्स की एक्सरसाइज भी होती है। फिर आप अपने आप को ट्राई टू गेट योर नीज टू योर बटन, सो दैट्स गुड। और जो ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो आपके अंदर कितनी शक्ति है उस शक्ति के हिसाब से कीजिए। ओके लेट्स गुड। अब अपने दोनों पांव जितना फैला सकते हैं फैलाइए, इन हाथों को सामने रखिए। अच्छा अब वी आर गोइंग टू बेंड टू द राइट साइड, तो इसमें क्या रखिए हाथ सामने रहेंगे, हाथ नहीं जाएंगे वहां, हाथ सामने रहेंगे, ऊपर आइए श्वास लीजिए, श्वास छोड़ने के लिए फिर ऊपर आइए श्वास भरिए श्वास छोड़िए, पांच बार करिए। आप देखेंगे तीसरी चौथी बार यू आर एबल टू बेंड योर नीज ए लिटिल बिट मोर विच इज गुड, क्योंकि इसमें नी की एक्सरसाइज हो रही है, जिनको नी का प्रॉब्लम है उसके लिए। अब कुछ अब आप क्या करें, सामने दाएं पैर को सामने रख लीजिए, जितना सामने रख सकते हैं रखिए। अब हमें बेंड करना है सामने, ऐसे इतना बेंड कीजिए कि जो आपका पीछे का लेग है ना पैर लेग, उसके अंदर यू फील ए स्ट्रेच, फिर सीधे हो जाइए। तीन बार और करेंगे, श्वास भरिए श्वास छोड़ते हुए सामने बेंड कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए, योग के अंदर ये है कि आप जैसे इतना भी करेंगे तो उससे भी फायदा है, इतना भी करेंगे तो उससे भी फायदा है। तो ये मत सोचिए कि आप बेंड नहीं कर सकते पूरा तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। ओके अब बायां पैर आगे कर लीजिए, इसमें आप पांच बार करेंगे वही सामने बेंड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए थोड़ाइए, फिर चार बार और कीजिए। ये नी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिनको नी की आर्थराइटिस है उनको क्या बोलते रिलीफ होगी, जिनको नहीं है दे आर प्रिवेंटिंग कि उनको फिर कभी नी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके लास्ट टाइम। अब दोनों पाँव को ऐसे चौड़ा कर लीजिए, हाथों को सामने लाइए। अब
हम श्वास भरकर ऐसे जाएंगे जितना पीछे झुक सकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। चार बार और करेंगे। अब क्या करना है हमें, अपना दायां हाथ put on your right side, पांव पर थोड़ा करके रखिए, keep your legs apart जितना रख सकते हैं, अपने दायां हाथ को put on your right thigh और धीरे 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 हम ऐसे जाएंगे, 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 ऐसे जाएंगे। गोल है जमीन को छूना, लेकिन लक्ष्य जो होता है उसको पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो आप धीरे धीरे करेंगे तो विल बी एबल टू डू इट। अच्छा, आप बाई तरफ ऐसे। अच्छा, इसके दूसरा वेरिएशन ये है कि आप इस हाथ को ऐसा कर सकते हैं। दो बार और करेंगे आप अपने स्पीड से। ऊपर आते हैं श्वास भरिए और बेंड करते हैं तो श्वास छोड़िए। क्योंकि अपने लोग सीनियर हैं, नमस्कार, ये वी आर डूइंग इट ए क्या बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मल स्पीड। But maybe those who are very young and feel themselves they are very young, तो उसके लिए आप ऐसे खट से जैसे भी कर सकते हैं। So this is just to avoid बताता है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें spinal twist करना है। उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, variation है। आप बाएं तरफ पीछे जाएंगे, head neck spine straight, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखिए, फिर सामने आ जाइए। अब श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए फिर पीछे की ओर जाइए, फिर आ जाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पीछे चले जाइए, श्वास भरिए। ओके, लास्ट टाइम, ओके, दैट्स गुड। अब करना है हमें पांव को थोड़ा करके ऐसे करके दाएं हाथ से बाएं फुट को छूना है। लेकिन ये ख्याल रहे कि जब आप दाएं हाथ से बाएं हाथ को करते हैं तो आपका जो हाथ ऊपर जाता है ना, अपना फेस शुड बी लुकिंग अप। तो जैसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। इसके जब आप बेंड होते हैं, डोंट ट्राई टू बेंड योर नीज, कीप द नीज स्ट्रेट। इसमें आप जितना कीजिए, 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, वेरी गुड फॉर द वेस्ट। जिनके ज्यादा फैट हो गया है यहाँ पर बटक्स में हो गया है, दे विल फाइंड रिलीफ। रिलीफ का मतलब वजन कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा मतलब यू फील मोर एनर्जेटिक। इसका मतलब ये है यू फील लाइट। ओके, अब लास्ट जो करना है हमें खड़े होकर वो है पुट योर हील्स टुगेदर। अगर आपको बैलेंस ठीक नहीं रहे तो थोड़ा सा चौड़ा रखिए। अब हाथों, पहले हाथ जोड़िए फिर हाथों को ऊंचा कीजिए। अब इसके अंदर हम श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे एकदम से नीचे, एंड आवर गोल इज टू टच द फ्लोर। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तो अपना लक्ष्य है। दो बार और कीजिए, नीचे जाते हैं श्वास छोड़िए, ऊपर आते हैं श्वास भरकर, श्वास छोड़ते हुए
गुड। अब आपकी दोनों एड़ी पास में है, आप ऐसे करते हुए दाएं तरफ चले जाएंगे, फिर बाएं तरफ चले जाएंगे, ऐसे ही एक तरफ एक तरफ एक तरफ, और जो ऐसे ऐसे करता है वो ऐसे normal breath का मतलब आप बैठ कर अपनी आंखें मीचिए, ध्यान मुद्रा, put on your thighs around the knee, open up your chest, और दो चार लंबे लंबे श्वास ले सकते हैं। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे। क्या होता है कि भस्त्रिका के बाद कपालभाति होती है, तो लेकिन उसके लिए एम्प्टी स्टमक चाहिए 3-4 घंटे के लिए। तो आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज टेकन सम मील विद इन लास्ट 3-4 आवर्स। तो सबको पता है जब आप घर में करते हैं पीजिए। उसके बाद का जो हम प्राणायाम करेंगे वह उज्जाई। उज्जाई क्या है कि उज्जाई इज वेरी गुड फॉर जिनके थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनके थ्रोट का प्रॉब्लम है, जिनके समझ लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम लगती है, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उन सब के लिए सबसे अच्छा है। तो सबको पता है 5 बार। तो मेरे साथ कीजिए साहब। देखा पहले श्वास छोड़ते हैं, फिर कॉन्टेक्ट मसल इन द थ्रोट, फिर श्वास भरते हैं तो आवाज होती है। फिर उसको बांध के रखते हैं श्वास को अपने फेफड़ों में, कि जब समय हो जाता है तो दाएं नासिका को बंद कीजिए, फिर धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास छोड़ दीजिए। 2 बार कर लिया, 3 बार और करेंगे एट योर ओन स्पीड। आप अपनी स्पीड से करिए, मैं देखता हूं। जब हम आए कहें कि करेंगे तो देख कर एक साथ करते रहिए, आप में कोई भी खड़ा होकर कर सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ ना, सीखते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब तक एक चीज को घड़ी घड़ी नहीं कहो तब तक दिमाग में बैठता नहीं है। कई बार आपका ध्यान उधर रहता है। तो आपने आज नोट कर लिया कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, और प्राणायाम में आपने इंटरेस्ट छोड़ दिया। लेकिन फिर जब दूसरी बार या तीसरी बार आप देखते हैं कि उज्जाई कैसे करते हैं तो उस समय सीख लेते हैं। तो इसीलिए ग्रुप जो क्या बोलते हैं योग होता है,
उससे क्या होता है कि उससे ये लगता है कि आप जो घर में करते हैं अपने आप, तो यहाँ पर देखकर जो टीचर के साथ जो बताते हैं तो आप अपने आप को कहते हैं हाँ मैंने ठीक किया। सो आपके अंदर कंफर्म कर देता है कि मैं जो योग कर रहा हूँ, जो प्राणायाम कर रहा हूँ, जो क्या बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम कर रहा हूँ इज अ राइट वे। तो इसलिए इसको करने की जरूरत रहती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक बार खड़े हो जाइए फिर से, क्योंकि अपनी उम्र के अंदर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो गिर जाते हैं, और अगर फॉल होकर बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए, अगर फ्रैक्चर ऑफ द हिप हो जाए तब आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। और स्टैटिस्टिकली मैं बता रहा हूँ कि वेन सीनियर्स जिनके फ्रैक्चर होकर जो हॉस्पिटल में चले जाते हैं दे विल स्टे देयर फॉर 3 to 6 months एंड सम ऑफ देम नेवर कम बैक होम, दे गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, दे गो टू द नेक्स्ट लाइफ। सो यू वांट टू अवॉइड दैट, उसके लिए क्या करना है आपको, क्योंकि बैलेंस रखना है तो होल्ड ऑन टू योर चेयर, आप चेयर के सामने दाएं हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, अब पांव को ऐसे कीजिए सामने सामने, और जो ऐसे कर सकता है विदाउट ऐसे ऐसे वो कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग। मैं तो बता रहा हूँ डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अच्छा, अब इसी को पकड़ कर आप सर्कल बनाइए, 3 बार एक दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में। ओके, अब टर्न फॉर द राइट वन, राइट वन में भी डू दैट डू दैट डू दैट। कई लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं, वेल विच योर वे, आई डोंट वॉन्ट यू टू फॉल, दैट्स द आइडिया। अब वी आर गोइंग टू मेक ए कंप्लीट रोटेशन, 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरी दिशा में। ओके, दूसरी चीज जो करनी है एंड विल ट्राई इट, इसीलिए मैंने कहा चेयर को पकड़ कर रखिए, क्योंकि जो आपसे सामने है ना, ऑन योर फोर फुट डोज यू कैन वॉक 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 दे कैन वॉक, बट डोज यू कैन नॉट, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए क्या करना है, आप चेयर को पीछे रखिए, इधर ऐसे कीजिए, ऐसे करते करते ऐसे करते करते चेयर को पकड़ कर रख सकते हैं, जस्ट टू गिव यू सपोर्ट, यू आर वॉकिंग ऑन योर फोर फुट, वेरी गुड फॉर कीपिंग द बैलेंस। और फिर उठा, वेरी गुड। अब हमको एड़ी पर दोनों एड़ियों पर चलना है, ऐसे एड़ियों पर चलना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप चेयर को पकड़ लें, चेयर को पकड़ कर चेयर के चारों तरफ जाइए, चेयर को पकड़ कर चेयर के चारों तरफ जाइए, और वेरी गुड। तो दैट्स गुड, अब बैठ जाइए, आप सब घर में जाकर ये सोचिए कि नेक्स्ट वीक तक जब हम यहाँ नहीं आए रोज इसको करेंगे, बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, जिनके पार्टनर है आप देम टू होल्ड योर हैंड्स इफ यू कैन नॉट डू इट, अदरवाइज जैसे मैंने कहा दिस चेयर इज द पार्टनर, इट कैन बी योर पार्टनर एनी टाइम, तो यू गो अराउंड इट, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। अच्छा, अब
कि बात जो है थोड़ा बहुत लंबा सांस लीजिए, दो चार लंबे लंबे सांस लीजिए, अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। उसके लिए इस बार वायु मुद्रा, जिनके ये फोर फिंगर है ना, ये बेस ऑफ द थंब, इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। वायु का अर्थ होता है एयर, हमारे शरीर में सारे एयर भरा हुआ है, लेकिन जॉइंट्स में ज्यादा है, कहीं पर भी शरीर में दर्द होता है, उस दर्द को मिटाने के लिए वायु मुद्रा लगाइए। पुट इट ऑन योर थाइस, ऑन योर नीज, फिर अनुलोम विलोम करेंगे। तो अब अनुलोम विलोम करने के लिए एक हाथ यूज करना पड़ेगा ना, तो आप बाएं हाथ को वायु मुद्रा में रखिए, दाएं हाथ से, सबको पता है कैसे करते हैं, कहते हैं। हमने शुरू किया बाई नासिका से, फिर दाई नासिका से श्वास छोड़ा, जिस नासिका से श्वास छोड़ते हैं उसी नासिका से श्वास लेंगे, फिर गो टू द अदर साइड। करते रहिए, मैं इसका क्या लाभ है इसे आपको बताना चाहता हूँ। इससे सबसे बड़ा लाभ है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, फिर जब देखते हैं तो बोलते हैं कि मैडम या मिस्टर सर, आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया है, तो उसके लिए कहेंगे कि आपको कोलेस्ट्रॉल करने के लिए मैं दवाई देता हूँ, सो डोंट ट्राई टू टेक दैट मेडिसिन इन द बिगिनिंग। उसके लिए पहले बोलिए कि मैं अनुलोम विलोम करूँगा रेगुलरली, 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को, फिर आपसे अगली अपॉइंटमेंट की टाइम मेरा फिर देखिएगा कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो देयर चांसेस ऑफ गेटिंग ए हार्ट अटैक, क्योंकि जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती है, हार्ट की मसल को, वहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर ब्लड फ्लो जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता है, फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। तो बंद हो जाने का मतलब जिस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, उसका मतलब वो पार्ट मर जाता है, तो इसीलिए उसको हार्ट अटैक कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपकी गले की नाड़ियाँ जो आपके ब्रेन को सप्लाई करती हैं उनमें भी अगर सीधी यही चीज हो तो स्ट्रोक होने की संभावना है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छे प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, क्या नाम, अनुलोम विलोम, उज्जायी, ब्राह्मी उद्गीत प्रणाम, ये सब करना जरूरी है। आप करेंगे तो यू विल अवॉइड मेनी ऑफ द थिंग्स। दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि दवाई जो लेते हैं उनके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, कई दवाइयाँ तो जो लाभ देती है उससे ज़्यादा तो उनकी बैड इफेक्ट्स हैं, तो इसलिए टू प्रिवेंट दैट आप योग कीजिए। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, जब आप बाई नासिका से श्वास छोड़े तो रिलैक्स। ओके, अब आप लोग बैठे रहिए, मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ। वी आर गोइंग टू डू सम माइक्रो एक्सरसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड एंड नेक। तो इसके लिए क्या है कि आप श्वास छोड़ते हुए टच योर चिन टू द चेस्ट, श्वास भरते हुए ऊपर देखिए जितना ऊपर देख सकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी छुट्टी को
छाती में लगाइए, फिर ऊपर देखिए, पांच बार कीजिए एब्डोमिनल स्पीच। आपने पांच बार कर लिया, इसके बाद न्यूट्रल पोजीशन मींस यू आर लुकिंग स्ट्रेट। तो अब क्या करना है हमें, दाईं तरफ बाईं तरफ श्वास, क्या तो ऊपर जाते हैं, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, या इसमें आप जैसे भी श्वास लेते रहिए, श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए तभी श्वास लें, पांच बार कहिए ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है कि जब आप ऐसे करते हैं तो इच्छा होती है कि हम ऐसे करें ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। कीप द शोल्डर्स वेयर दे आर, खाली वी आर बेंडिंग आवर नेक एज मच एज वी कैन साइड। अब जब पांच बार कर लिया तो सामने देखिए, दैट इज न्यूट्रल पोजिशन। अब जो है हम दाईं तरफ देखेंगे, दाईं तरफ कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, क्या कर रहा है, नहीं आँख खींच के रखेंगे तो कोई क्या कर रहा है आपको नहीं देखना है। पांच बार कीजिए, आखिरी बार, ओके। अब न्यूट्रल पोजीशन का मतलब यू आर लुकिंग एट मी, अपनी ठुड्डी को लगाइए धीरे धीरे, पूरा 360 डिग्री रोटेशन ऑफ हेड एंड नेक ओवर द शोल्डर, तीन बार एक दिशा में और तीन बार उल्टी दिशा में। अपने हाथों को ऐसे कीजिए, पुट राउंड और प्रेस कीजिए अगेंस्ट ईच अदर, श्वास भरकर प्रेस कीजिए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए, पांच बार कीजिए। अब ऑन द राइट टेम्पल पुट योर हैंड, प्रेस अगेंस्ट ईच अदर पांच बार, श्वास भरकर प्रेस कीजिए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए, पांच बार कीजिए। नाउ अदर साइड पांच बार, तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। फुट इट अराउंड फ्रंट में, पांच बार करेंगे, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, ओके, दैट्स गुड। अब वी गोइंग टू डू समथिंग फॉर द hands and the arms. तो हाथों को shoulder level पर, if you can try to get it at shoulder level, और एकदम से अंगूठे को अंदर रखकर श्वास भरी, श्वास भरकर ना इस सारे muscles को contact करने की कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए, पांच बार करेंगे। While you are there, अपने हाथों को ऐसे रखिए and wrist पर पांच बार एक दिशा में, पांच बार उल्टी दिशा में कीजिए। So हमने finger की कर ली, wrist की कर ली, now it's turn for the elbows. ऐसे कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, पांच बार करें, श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। ओके, नाउ साइडवेज। आपने सबने देखा होगा हनुमान जी को, देखा है ना सबने, ऐसे करके बैठे रहते हनुमान जी, शक्तिशाली हैं। तो अपने में शक्ति लाने के लिए हनुमान जी का नाम लेकर
जय मान ज्ञानी सागर जय कपीसिमुनो पूजा राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत तो साथ में देखिए आपको मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ा रहा हूँ और क्या चाहिए आप पुट योर एल्बोस टुगेदर इसके अंदर ख्याल रखिए इसमें जो जितना कर सकता उतना कीजिए इसमें ना पीछे जाते हैं तो छाती खुलती है तो श्वास भरिए फिर श्वास छोड़िए पीछे जाते हैं श्वास भरिए श्वास छोड़िए पांच पार करेंगे ऐसे सामने फिर पांच पार उल्टी दिशा में आप थोड़ा भी कर सकते हैं तो यू विल स्टिल गेट द बेनिफिट ओके आप अपने हाथों को ऊंचा करेंगे जितना ऊंचा कर सकते हैं कीजिए इसमें क्या है कि यू आर स्ट्रेचिंग योर बॉडी तो जब आप बैठे बैठे स्ट्रेच कर रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग अप योर हिप्स आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं श्वास भरिए श्वास छोड़ते पीछे चले जाइए फिर श्वास भरिए श्वास छोड़ते चले जाइए दो बार और पीजिए दिस इज वेरी गुड जिनके शोल्डर का प्रॉब्लम है अब आप लोग जो बैठे हैं तो अपने हाथों को पुट ऑन योर नीज पुट ऑन योर नीज आप अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे ऐसे एंड योर रोटेटिंग योर हैंड ऑन योर नीज रोटेटिंग योर हैंड ऑन योर नीज पांच बार कीजिए पांच बार उल्टी दिशा में चलेंगे अब बैठे हुए हैं उसके लिए सब अपने देखिए जो डिस्ट्रैक्शन उस तरफ है सी जो योगी है असली योगी जो होता है ना जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन कहीं पर भी हो उसका ध्यान उधर नहीं जाएगा उसका ध्यान जहां पर आप रखना चाहते हैं वहीं पर रहेगा ये योगी की पहचान है ओके तो अभी मैंने कहा आप सब योगी योगिनी है तो डोंट क्या बोलते हैं ओके अब जो है आप बैठे हुए हैं थोड़ा सामने भी आ सकते हैं बट डोंट फॉल इन फ्रंट अपने राइट लेग को ऊंचा कीजिए और अपने थाई के नीचे हाथ रखिए सपोर्ट के लिए पहले पांच बार आगे पीछे कीजिए ओके फिर एट द नी ज्वाइंट पांच बार एक दिशा में पांच अच्छा इसमें देखिए वी व्हाट वी टेंड टू डू इज ऐसे करते हैं ना तो ऐसे ऐसे सारे करते हैं नहीं हमें खाली वी आर मूविंग आवर नी ज्वाइंट नॉट आवर हिप ज्वाइंट नॉट आवर थाई ज्वाइंट तो पांच बार ऐसे उल्टी दिशा सेम थिंग विद लेफ्ट पांच बार आगे पीछे Are you ready to do? We are closing our yoga session and then okay. I will come in contact with you. Okay. Okay, no problem. Okay. So now सबको पता है ब्राह्मणी उद्गीत प्रणव कैसे करते हैं लेट्स डू इट ऑल टुगेदर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है एक के बाद एक करेंगे सब ठीक है ओके
तो ऊंचा करके हथेलियों को मसलिए, इसमें जब गर्माहट आ जाए आंखों के सामने रखिए, फिर धीरे धीरे जहाँ पर भी आपका हाथ पहुँचता है वहाँ पर सारे ले जाइए, हृदय के सामने हाथ जोड़ कर मेरे साथ बोलिए, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल बी प्रॉस्परस, मे नन सफर। सब खुश रहिए और योग कीजिए। डॉक्टर साहब आपका मास्क। एज यूजुअल डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा योगा करवाया और बहुत अच्छा लगा। भगवान सबको स्वस्थ रखे, सबको ठीक रखे, और हम अपने इन पर्सन जो मीटिंग स्टार्ट किए उसमें आते रहे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा यहां पर इस साल का लास्ट सेशन होगा। उसके बाद हम 5 जनवरी को, इज इट 5th जनवरी वेडनेसडे, देख ले, 5 जनवरी को अगर वेडनेसडे है तो हम 5 जनवरी को मुलाकात करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रिवर ग्रुप पर हम अपना वहां शिफ्ट करें, और रिवर ग्रुप में बड़ा कमरा हमें मिल गया था, उसके साथ छोटा कमरा भी मिल गया था, लेकिन एक फिर कंट्रोवर्सी थोड़ी सी शुरू हुई है कि उन्होंने कहा है कि बड़ा कमरा नहीं मिल सकता, तो लेट अस सी। तो हम रिवर ग्रुप में वहां आप सबसे मुलाकात करेंगे, आपको ईमेल पहुंचेगी, उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी डिसीजन होगा। यू आर मोस्ट वेलकम इन नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 5th of January 2022. Let us wait.